lovely people and a very welcome back to my channel guys. My name is Kalpana and this is Kalpi Corner. तो आज के वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे अपना टास्क कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज मुझे मिला एक टास्क, मतलब मैंने खुद को एक टास्क दिया है कि मुझे आज ये काम करना ही करना है. तो ये कार्डबोर्ड वाला जो पार्सल है ना, ये मुझे कल रिसीव हो गया था और ये वाला पार्सल मुझे आज रिसीव हुआ. तो मैं दोनों का वेट करी थी, दोनों मैंने एक साथ ही ऑर्डर किए थे क्योंकि अगर दोनों मिलते, मतलब लाइक दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी था मेरे टास्क के लिए. तो बहुत सारे पार्सल फिर हो जा रहे हैं ऐसे ही पड़े पड़े रह जा रहे, तो मैंने सोचा आज तो मैं ये काम कर ही लेती हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा फ्री फील हो रहा था. तो इससे मैंने ना एक मिरर वर्क वाला आर्ट मंगाया है जो आजकल चल रही ना, वो दीवार पे लगाने वाला मिरर वर्क करके, तो वो मैंने एक मंगाया है. बाकी एक में गणेश जी का ऐसा फोटो है अलग अलग कट पीस में, तो वो आपको भी देखने को मिलेगा. मैं तो खोल के देख चुकी हूँ क्योंकि जैसे ही पार्सल आता है वैसे खोल के देखे बिना मैं रह नहीं पाती हूँ. तो मैं अब आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है, उसके बाद हम लोग साथ में उस वॉल को डेकोर करते हैं. तो लेट्स कनी रेडी वीडियो. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया है. तो पहला वाला पार्सल मैंने आपको क्या बोला था, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ ठीक है, जो कार्डबोर्ड में था. तो इसमें मैंने आपको बोला था कि गणेश जी का एक सेट है, मतलब प्रॉपर गणेश जी का एक पोस्टर टाइप का है, बट ये वुडन में है. तो ये इसमें मुझे 5 पीस रिसीव हुआ है, इसका मैंने ओपनिंग पहले कर चुकी थी. तो सब कुछ पहले गिर जाता है, मतलब दिखाने से पहले सब कुछ गिर जाता है. तो ये है इसका पहला पीस, मतलब जो मिडिल में लगेगा सेंटर में, जिसमें गणेश जी का फोटो है हाफ हाफ. फिर इसका जो बचा हुआ है लाइक वन हैंड, वो जो पजल गेम नहीं खेलते थे हम लोग बचपन में कि कौन सा कहाँ पे जोड़ना है, वही वाला सिस्टम है यहाँ पे. तो ये इधर साइड जुड़ेगा. अब मेरे पास तो दो ही हाथ है गणेश जी है ना, तो ऐसे, एंड ये वाला हाथ इनका यहाँ जुड़ेगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये गणेश जी दिख गए, बन गए हैं मिंटू से. फिर उसके बाद दो पीस और हैं छोटे छोटे से, ये जो है मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है. तो ये हाथ यहाँ जुड़ेगा, ये ऐसे हो गया, ये समझ आ गया ना आपको ठीक है. फिर इसके बाद लास्ट में ना ये जुड़ेगा ऐसे करके इधर साइड, और यही सेम टू सेम जो है, सेम टू सेम ऐसा ही एक बना हुआ है, वो उधर साइड जुड़ेगा ठीक है. हाथ का समझ आ गया होगा. तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ज्यादा प्यारा, गणेश जी इतने ज्यादा मुझे प्यारे लग रहे ना इसमें, बिल्कुल मजा ही आ गया गाइस, मजा ही. बात ये है ना कि पहले शादी से पहले जो था हमारा जो मंदिर था, वैसे वॉल पे ऐसे टाका हुआ था, मतलब लाइक ऐसे जो फिटेड होता है ना जो वॉल पे, तो वो था. तो फिर बाद में जो है, और जो बड़ा मंदिर था, जो नया मंदिर था, वो ऐसे ही रखा हुआ था इन्होंने. तो फिर मैंने क्या करा ना, वो जो ओल्ड मंदिर था वो वॉल से उसको निकाल दिया क्योंकि वो थोड़ा छोटू इन साइज था ठीक है. तो फिर अब हमने रूम से मंदिर को शिफ्ट कर दिया है दूसरे रूम में. तो मैंने सोचा था कि थोड़ा हम कुछ डेकोर करेंगे, फिर मैं कुछ कर नहीं पाई. तो उसका क्योंकि स्टैंड भी अभी बनना है, मंदिर के नीचे हमको स्टैंड लगाना है, तो वो भी अभी बनना है. तो मैं आपको कभी और अपना मंदिर टूर कराऊंगी. लेकिन हाँ, उसके पीछे की जो वॉल थी मुझे बहुत खाली खाली लग रही थी, उस पर कुछ और लगा हुआ था पेंटिंग वेंटिंग, वो मैंने हटा दिया. तो उसके बाद अब मैंने उस वॉल को बिल्कुल क्लीन कर दिया, मतलब क्लीन इन द सेंस सब कुछ वहाँ से हटा दिया है, तो बिल्कुल क्लीन है. तो मुझे ये गणेश जी का फोटो बड़ा सुंदर लगा. ये मैंने आई गेस कितने का मंगाया था, 234 रुपीज का मंगाया है मैंने ये मीशो से. मैं एंड अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो मैं ना मीशो का कोड जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, तो आप जाके चेक कर लेना ठीक है. तो दूसरी चीज़ मैंने मंगाई है यहाँ पे मिरर वर्क, जो कि मैंने आपको बोला कि मैंने ना बहुत जगह पे ऐसे शॉर्ट वीडियोस में देखा, तो मुझे लगा अरे यार ये मुझसे कैसे छूट गया. तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया, ये मैंने बहुत सस्ता वाला ऑर्डर किया है 98 रुपीज़ का. इसमें बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग अलग, आप ऑर्डर कर सकते हैं. तो मुझे भी ये थोड़ा ठीक लगा क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया ना कि मैं खोल के देख चुकी हूँ. तो ये एक मिरर आर्ट टाइप का है, मिरर ये प्लास्टिक का जैसा तो लग रहा है वैसे खैर मुझे, बट हाँ इसको लोग मिरर मिरर बोल रहे हैं तो ठीक है, मिरर ही बोल देते हैं हम भी. तो ये वो है एक, मतलब बहुत पतले से ऐसे स्टेंसिल टाइप के, क्या ही बोल सकती हूँ मैं इनको यार, ये चिपकाने वाला सिस्टम है इसमें. बट ये चीज़ है कि इसमें ग्लू व्लू कुछ नहीं लगानी है. तो एक तो मैंने ट्राई भी किया था, शायद ये ही ट्राई किया था हाँ ये. तो ऐसे आप बैग से पेपर रिमूव करो तो यहाँ पे ग्लू ग्लू टाइप का है, आई थिंक ये प्लेन वॉल पे स्टिक हो जाएगा. तो ये देख सकते हो आप, इस पर एक ग्लू चिपका हुआ है. और बाकी ये इसका लुक कुछ ऐसा लग रहा था, तो पहले आया मुझे लगा बिल्कुल बेकार क्योंकि बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि पन्नी कहाँ से निकालूँ. मुझे ऐसा लग रहा था पन्नी है ही नहीं के ऊपर, और ये ऐसा ही है बिल्कुल. ये देखो यहाँ पे पूरे क्रैक्स व्रैक्स जो भी है, सारा का सारा गंदगी लगा हुआ था. ये बिल्कुल साफ नहीं नजर आ रहा था, पता नहीं कैमरे में तो कैप्चर भी नहीं हो रहा, जैसे आप देख सकते हो अभी आप डिफरेंस देखोगे चलो ठीक है. फिर बड़ी मुश्किल से मेरे को ये पन्नी हटाई मैंने, फिर पता चला कि हाँ इसके ऊपर पन्नी लगी हुई है. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, ये देखो
ये कितना क्लीन है और ये कितना ज्यादा अजीब सा है। तो मुझे लगा था पहले इतना अजीब सा है यार, ये खाली दिखाते हैं, मैं इसको वापस करने जा रही थी, फिर मैंने जरा बहुत आराम से पन्नी हटाई तो पन्नी यस हटती है और ये बहुत क्लियर मिरर टाइप का दिखता है। 30 पीसेस मुझे मिले हैं ये, तो ऐसे ऐसे करके निकालने हैं मुझे ऐसे करके। ये स्क्वायर शेप वाला ही मैंने मंगाया है, बीच में से मतलब खाली खाली, और ऐसे करके इसको चिपकाने वाला, कुछ डिजाइन में इसको चिपकाऊंगी। तो ये सब कुछ मुझे करना है। चलो अब मैं आपको खाली बस वॉल दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर वॉल करा हुआ दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है, कोई ये भी नहीं है, फिर मेरा ज्यादा ध्यान चला जाता है, मेरी वीडियो भी नहीं शूट होती और मेरा काम भी नहीं होता है। तो मैं आपको वॉल दिखा देती हूँ पहले सिंपली कि कैसी वॉल है, और उसके बाद फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको बस इन दोनों को लगा के। बाद में का डेकोरेशन तो जो भी होता रहेगा वो आप देखते रहोगे, मुझे रेट करना कि मेरा काम अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? और कोई तो रेट करता नहीं है, आप भी रेट कर दिया करो यार। तो यही है वो प्लेन वॉल जहाँ पे मेरा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है मिंटू से, और यहाँ पे मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया है। ये पर्पल कलर की थी और पता नहीं लाइट इफेक्ट ऐसा क्या हो रहा है या मेरा कैमरा कैसे कैप्चर कर रहा है, कुछ सही दिख ही नहीं रहा, बट स्टिल यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बीच में मैं लगाने वाली हूँ गणेश जी की फोटो, और किनारे में पता नहीं क्या ही करने वाली हूँ, तो करते करते आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है ना मेरे प्यारे प्यारे गणेश जी आप देख सकते हो, मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, एंड दिस इज लुकिंग सुपर क्यूट, वेरी नाइस, वेरी वाइब्रेंट कलर, बिल्कुल एक अच्छी सी वाइब आ रही है गाइस। ये देख सकते हो आप इसका प्यारा सा कलर, पता नहीं मेरा कैमरा इसको क्यों नहीं कैच कर रहा है, लेकिन इसका कलर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और बहुत सूदिंग है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका कलर। और ये मैंने पेस्ट कर दिया ऐसे डिफरेंस लेके, थोड़ा थोड़ा मैंने डिफरेंस लिया बीच में, आप चाहो तो इसको कम्प्लीटली ऐसे भी पेस्ट कर सकते हो मतलब चिपका के, बट मैंने देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लिया है क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब बारी आती है मेरी वो वॉल के किनारे का जो भी है, मैंने वो मिरर वर्क जो मंगाया है उसको लगाने का, तो उसको भी लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे प्यारे गणेश जी का लुक, और लेट्स वेट, फिर मैं अभी पूरा का पूरा मिरर वर्क लगा के आपको दिखाती हूँ, ठीक है? सो गाइज, दिस इज द फाइनल एंड कम्प्लीटेड लुक। ओ माई गॉड गाइज, आई एम डेफिनेटली इन लव विद दिस आउटकम, मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, और ये बजट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा था, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 98 रुपीज़ में मंगाए थे। कैन यू गाइज ट्रस्ट मी? येस यू हैव टू ट्रस्ट मी। ये 98 रुपीज़ के जो स्टीकर है ना, इन्होंने इस वॉल का बिल्कुल ही लुक चेंज कर दिया है, और गणेश जी तो हमारे प्यारे लग ही रहे हैं, वो तो मैं इन ऑब्सेस्ड विद हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस वॉल स्टीकर की वजह से ये पूरी वॉल का लुक ना बिल्कुल ही चेंज हो गया है, जबकि मेरा कैमरा जो है ना इतना इफेक्ट ले नहीं पा रहा है। एक्चुअली इसका इफेक्ट इस तरीके का आ रहा है, जब मैं दूर जा रही हूँ ना तो ये थोड़ा फेड अप हो जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये गोल्डन कलर है ना, इसमें जब लाइट आ रही है तो ये डेफिनेटली ऐसे, देखो आप देख सकते हो ऐसे स्पार्कल मार रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ इस आउटकम से। और ट्रस्ट मी, यू गाइस कैन डेफिनेटली बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम मीशो, ये बिल्कुल 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 बोल सकते हो आप पैसा वसूल प्रोडक्ट है। मुझे बहुत सुंदर ये वॉल लग रही है, आप देख सकते हो इसका लुक, मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और आप जैसे चाहो वैसे इसको पेस्ट कर सकते हो, मैंने अकॉर्डिंग टू माय चॉइस पेस्ट करा है, तो इतने सारे इसमें ये जो भी थे ऐसे निकाल निकाल के मुझे इतने सारे पीसेस मिले थे, तो आप जैसे चाहो वैसे पेस्ट कर सकते हो, मैंने इस तरीके से किया है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसे कर सकते हो। बट मुझे ये लास्टली बोलना चाहूँगी कि बहुत 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 ज़्यादा मुझे ये पसंद आया है वॉल, और अब देखते हैं मेरे फैमिली वालों को घर वालों को कैसे पसंद आता है, क्योंकि अभी कोई तो घर पे है नहीं, तो मैं उनसे पूछूंगी कि कैसा लगा, एंड देन डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उनको भी, भगवान की कोई भी चीज़ होती है ना मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो थम्स अप फॉर गणेश जी, गणेश जी के लिए थम्स अप दो, और गणेश जी के लिए वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड कॉमेंट करो। तो बाय बाय गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैंने सोचा मैं अपनी हालत को दिखाई दूं, तो यहाँ पे मेरे को हो गए करीबन 1.5 आवर से ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि होता ही है ना इसके ऊपर जो पन्नी थी वो मैं हटा रही थी, फिर अंदर की पन्नी मैं हटा रही थी, फिर मैंने पेस्ट किया, तो 1.5 आवर मैंने इस वॉलपेपर को पेस्ट करने में दिया, जिसमें से आधा घंटा या 20 मिनट करीबन मुझे इसको पेस्ट करने में लगा होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे मेजर करके लगाना था बिल्कुल एग्जैक्ट इसीलिए। और ये भी फिर मैंने थोड़ा बहुत सोचा फिर लगाया, तो ये सब कुछ हुआ। पहले स्टिकर निकालने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन फिर बाद में आदत होगी, जल्दी जल्दी निकल गया। तो ये इसका फाइनल एंड कम्प्लीट लुक है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो बाय बाय गाइज, एंड बहुत सारे न्यू पेंडिंग पार्सल हैं, व्लॉग हैं, वो आपको देखने को मिलते रहेंगे, एंड तब तक के लिए सी यू सून एंड बाय बाय, लव you so much, we'll meet you in the next video.